चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और कल है होई अष्टमी, पर ने लगाई मेरे मेहंदी, ये देखो जो करवे पर लगाई थी वो छूट गई थी, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धोए, पर्दे धोए, तो वो जल्दी छूट गई, इसलिए हुई कि मेहंदी भी लग गई। अगर ना छूटती फिर अजीब सी लगती उसके ऊपर। तो मम्मी के हाथ तो बिल्कुल साफ हो गए थे, और अब मैंने इस पर हुई की मेहंदी लगा दी। कैसी लगी हुई वाली मेहंदी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बाप को ही अच्छी लगी। रचनी चाहिए, रचते कम है, पता नहीं कैसी है ये। हाँ, ये जितने जल्दी रचा उतने जल्दी छूट भी जा, ऐसी की बात। देखिए, मम्मी होगी तैयार, आज है होई, सबको होई अष्टमी की शुभकामनाएं। मम्मी होई के लिए तैयार हो गई है। अरे इधर माँ भी तैयार हो गई, नया सूट पहन लिया। माँ मेहंदी दिखा दो अपनी, ये मैंने माँ के मेहंदी लगाई थी, देखो ये देखिए। माँ ने भी आज व्रत रखा हुई का, और मम्मी ने भी, मम्मी दिखाई अपनी मेहंदी, ये देखो वो लगी मेहंदी तो अच्छी हो रही, करीम सी लग रही है, सब सही दिख रही, इसमें तो अच्छी लग रही है। देखिए मम्मी कितनी अच्छी लग रही, ये देखिए। होई माता की कहानी सुनने के लिए हमने तैयारी कर ली, ये होई माता का कैलेंडर, और यहाँ पे ये सब सामान रख लिया। हम मम्मी दिया जलाएंगे और फिर हम कहानी सुनेंगे। माँ बैठ जाओ आप भी, नीचे बैठो। एक साहूकार था, उसके सात बेटे और सात बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बद्दी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की बदले में छोटी भाभी ने अपनी को बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह सात दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान सातवें दिन क्यों मर जाती है? अब कहानी हमने पढ़ ली है, और ये माँ और मम्मी जा रही जल देने के लिए सूर्य को, और कहानी हमने होई की सुन ली। अब मैं बनाऊंगी चाय, मम्मी और माँ के लिए चाय पियेंगी। कुछ खाना तो है नहीं क्योंकि व्रत है, तो कहानी सुनने के बाद फिर चाय पी ले। हाँ, चाय बनाओ। बना रही आज, बना रही मम्मी हलवा। बेसन का सूजी का हलवा भून रही घी में, से देसी घी डाल दिया इसमें, और पहले ही सब भून लेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट काट थोड़े से, और यहाँ डाल दिया मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू हैं, बादाम है, किशमिश, और इधर ये चीनी का पानी अभी से डाल देंगे इसमें। ये मम्मी ने इसमें डाल दिया शरबत पका के। ये तू क्या कर रही है? से ये देखो मम्मी के पैरों में पड़ रही, कुछ काम नहीं करने देती, कुछ काम नहीं करने देती है, बहुत शैतान है। और यहाँ हलवा हमारा बनने वाला है बस, और इधर बना रही मम्मी छोले, इसमें तेल में जीरा डाल दिया, अब प्याज डाल देंगे।
देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है। हम मम्मी इसको इसमें रेता रख देंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल दें। अब यहाँ टमाटर डाल दिए। फिर नमक डाल दिए इसमें। ये हल्दी मिर्च और धनिया डाल दिया हमने। हरियाँ डाल दिया मम्मी ने। अब इसमें छोले हरियाँ डाल दिया। पानी और ये बनाएंगी मम्मी रायता। रायते के लिए दही में बूंदी डाल दी मम्मी ने। काली मिर्च, चाट मसाला और ये वो सूखा हुआ पुदीना। ये लगा दिया मम्मी ने रायते में छौंक। ये देखिए रायता हमारा बनकर तैयार है। कितना अच्छा रायता बना है। ये बना रही मैं मिठी पूरी का आटा। इसमें मैंने देसी घी, खाने का सोडा और सौंफ मिला ली। पर उन्होंने वो दिखाई नहीं, मैंने पहले ही मिला लिया। अब ये मीठा घोल के रूंगी। इसमें चीनी और शक्कर। ये मिठी रोटी का आटा बन के तैयार है। इसकी बनाएंगे मिठी रोटी। ऐसा रख देंगे मिठी पूरी। हाँ मिठी पूरी। अब बनाएंगे हम पूरी। इसके लिए मम्मी ने कढ़ाई में तेल डाल लिया। और पहले बनाएंगे मिठी पूरी, फिर कचौरी बनाएंगे आलू की, और फिर फिक्की पूरी। और ये देखिए मिठी पूरी हमारी बनने लग रही है। ये देखिए ये बन गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये सारी मिठी पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे नमक की कचौरी। ये मम्मी इधर कचौरी आलू भर रही पिट्ठी में, और ये रखी कचौरी। इन्हें डाल देंगे तेल में। ये देखिए आलू की पूरी भी हमने बना ली। और अब हम बना रहे फिक्की पूरी। देखिए देखिए फिक्की पूरी भी हमने बना ली। अब मम्मी में इनसे ये अपना बाहना मम्मी ने दिया लगा लिया। और ये मम्मी ने रोटी निकाल दी। इसमें छोले हैं और पूरी, छोले आलू की पूरी, मिठी पूरी, हलवा और रायता। मम्मी भोग लगा रही होई माता का। जय हो माता की। ये माँ की है, माँ मिनसे ही ने पूरी और हलवा। माँ गाय को देवे तो इसलिए पूरी और हलवा ही निकाला। और अब मम्मी मिनस रही रोटी। मम्मी नस के फिर माँ को देंगी। मम्मी माँ को देवे अपनी होई। ये मम्मी ने माँ को दे दिया खाना। मम्मी माँ की टांग बीच रही। अब माँ अपनी रोटी में नस रही। केला में साथ ना खाइए ना। अब माँ गाय को दे दे अपनी रोटी। माँ आप कैसा देख रही थी? अब माँ गाय को देवे। अब मम्मी तारे को देखकर और ये अर्घ देंगी तारे को, और फिर अपना खाना खाएंगी, व्रत खोल लेंगी। ये मम्मी ने
कहानी सुनते टाइम चावल और दोबड़े के नाल माता जी पेड़ों में ये अपने हाथ में लिए थे, अब इन्हें तारे को देंगी। दिखा नहीं, ऊपर ही है मम्मी, ये लाइट बंद करो, लाइट सामने करा दी पहले, ये अंधेरा करो यहाँ। मम्मी को तारा दिख नहीं रहा। अब तारा देखने के बाद मम्मी अपना खाना खा रही, व्रत खोल रही। ये देखिए, आप भी खा लीजिए। इधर माँ खा रही अपना खाना, कुछ तो खा लिया। क्या और ये बैठी हुई देख रही है कि मुझे भी मिलेगा कुछ खाने को। दे तो दिया। ये तो बेचारी देखती रहे बस, जब भी कोई खा गया सोचा मुझे भी दे दे। ये लाए मूंगफली गरम गरम और मम्मी खा रही, और ये सामान लाए वॉशरूम में लगाने के लिए, खूंटी और साबुन वगैरह रखने के स्टैंड, और ये लाए गच्चक और आलू। चलो मैं